झारखंड के पलामू में लापता नाबालिग लड़की की लाश छत-विछत हालत में मिली है। लड़की एक सप्ताह से गायब थी। पिता ने लड़की के अपहरण का मामला थाने में दर्ज कराया था। रविवार को बड़ेपुर में सोनपुर नदी के किनारे लड़की की लाश मिली। लड़की का चेहरा जला हुआ था, एक पैर कटा हुआ था, पैर शव के पास ही फेंका मिला। लड़की का गला भी काट दिया गया। 17 साल की किशोरी अपने घर से 21 फरवरी को गायब हो गई थी और एक सप्ताह बाद उसकी लाश नदी किनारे मिली। घटना को लेकर ग्रामीणों में पुलिस के प्रति आक्रोश देखा गया। गांव वालों ने लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी बेटी को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। पुलिस सक्रिय होती तो उनकी बेटी की हत्या नहीं होती। हमें एक लवारिस लाश की सूचना प्राप्त हुई थी। लवारिस लाश की पहचान हो गई है, वो कुसमा के रहने वाली है और इस पर उनके परिजनों से आवेदन प्राप्त कर और सभी बिंदुओं पर अनुसंधान की जा रही है।